प्रेज़ द लॉर्ड, और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से कि परमेश्वर की उपस्थिति हम सबके जीवन में रही है, और परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है और हम सब भाई बहनों को संभाल के रखा, उसके लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। और सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए। आपने हम सबको संभाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपकी दया हम पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा हम पर बनी रहे, और हम आपके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बन सके। हाँ प्रभु, हम आपके पदचिन्हों पर आपकी मर्जी के मुताबिक, आपकी योजना के मुताबिक चलना चाहते हैं। प्रभु हमें अपनी समझ, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए, ताकि तेरे वचन की सेवकाई लगातार करने वाले बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो वचन है वो मिला है लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसके 27 पद। लूका रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 27 पद कहता है, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, क्या जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वो मेरा चेला नहीं हो सकता। परमेश्वर ने बड़े खूबसूरत बात यीशु मसीह ने कही है, जो कोई अपना क्रूस ना उठा सके। क्रूस उठाने का मतलब ये है कि संसार की बातों से, संसार की चिंताओं से, तमाम रिश्ते नातों से, तमाम ऐसी बातों से जो हमें खुदा के नज़दीक आने से रोकती हैं, उन बातों के लिए खुदा का कलाम मुझे और आपको बताता है कि जो कोई अपना क्रूस ना उठाए, ऐसे व्यक्तियों के लिए है। जो क्रूस ना उठाने से मतलब ये है कि सांसारिक बातों में, सांसारिक चीज़ों में, सांसारिक कामों में लगे रहें और परमेश्वर से दूर रहें। वो कहता है और मेरे पीछे ना आए, यानि पीछे आने का अनुसार का अर्थ है कि मनुष्य प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु की बातों पर चलने वाले बने, और अगर नहीं चलते हैं तो खुले शब्दों में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरा चेला नहीं हो सकता। डायरेक्ट परमेश्वर ने इस बात को खुदा ने कह दिया कि वो मेरा चेला नहीं हो सकता अगर जो अपना क्रूस ना उठाए, जो मेरे पीछे ना चले, मेरी बातों के अनुसार न चले, मेरे वचन के अनुसार नहीं चले। और आज हम दुनिया में देख रहे हैं, लोग चाहते हैं कि हमको पद मिले, हमें नाम मिले, अरे हमें सब कुछ मिले, और हम दुनिया की बातों में चलते रहे। तो मेरे प्रिय, एक बात याद रखिए कि ना तो आप न मैं, जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो मेरे लिए सबसे पहले लागू होती हैं, कि जो मैं हूँ मेरे लिए भी है कि मुझे और आपको संसार की बातों को छोड़ना पड़ेगा, संसार की चीज़ों को, चमक चौंध को और नाच गाने को, बुराइयों को, टीवी को, तमाम तरीके की जो बदकारियां हैं, तमाम तरीके की बुरी चीज़ें हैं, उनको मुझे और आपको त्यागना पड़ेगा, तभी मैं और आप यीशु मसीह का चेला बन पाएंगे। और कहता है और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, क्या कहा, जो मेरे पीछे अपना क्रूस लेके ना चले वो मेरे योग्य नहीं है। खुदा ने एकदम डायरेक्ट कहा यीशु मसीह ने कि वो मेरे योग्य नहीं है अगर वो मेरे पीछे अपना क्रूस लेकर ना चले। तो मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं सबसे ज्यादा राजनीति चर्च के अंदर हो रही है, सबसे ज्यादा गलत काम चर्चेस के उन अनुसार जो लोग हैं वो कर रहे हैं। वो प्रभु के साथ तो चलना चाहते हैं लेकिन वो अपना नाम चाहते हैं, अपने पद चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम सेक्रेटरी बने, हम चाहते हैं कि हम अध्यक्ष बने, चाहते हैं कि हम ट्रेजरर बने, चाहते हैं कि हम कमेटी के उन चुनिंदा सदस्य में हों, हम हों। तो लेकिन आप सब कुछ करिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उसके योग्य नहीं है क्योंकि आप सांसारिक बातों में चले। आप जो कमेटियां होती हैं वो इसलिए होती हैं कि किसकी अगुवाई करें, जो कलीसिया है उसकी अगुवाई करें, किससे, आत्मिक अगुवाई करें। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप आत्मिक अगुवाई किसी को दे पा रहे हैं? क्या मैं और आप किसी को प्रभु के बारे में बता पा रहे हैं? नहीं बता रहे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे
तो अपने आपे से इंकार करे। अब आपा क्या है? आपा तो वो है कि जो तुम्हारा पद है, तुम चाहे मैनेजर हो, प्रिंसिपल हो, अध्यक्ष हो, बिशप हो, पास्टर हो, पादरी हो, कुछ भी हो, तुम्हें अपने आपे से इंकार करना है। आपको और मुझे अपने आपे से इंकार करना है, सारे पदों को, सारी चीजों को परित्याग करना, पीछे करना है और प्रभु यीशु मसीह को पहला स्थान देना है। प्रेज द लॉर्ड डॉक्टर साहब, जय मसीह की। क्या मैं और आप परमेश्वर को पहला स्थान दे पा रहे हैं? अपने आपे का इंकार कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं हम तो ये पद है हमारा, हम तो उसी के अनुसार चलेंगे, क्या मैं और आप जो पद मेरे और आपके पास होता है, चाहे वो अध्यक्ष का हो, मैनेजर का हो, पास्टर का हो, बिशप का हो, क्या हम अपने घर में भी वही पद चलाते हैं? या अपने आपे का इंकार करते हैं, या लोगों के सामने क्या दिखा रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है अपने आपे का इंकार करें और प्रतिदिन, कैसे? प्रतिदिन अगर आप प्रतिदिन नहीं करते और अपना क्रूस में, यानी कि अपनी बुरी आदतों को, मुंह से गाली बकना, व्यभिचार करना, बुरी बातों में तमाम किसी का नुकसान करना, ये सब बातें अगर आप इनसे दूर हैं, अपना रोज क्रूस उठाते हैं, ये है अपना क्रूस उठाना। वो कहता है तुम मेरे पीछे हो लो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने कहा जो कोई मेरा सब लोगों के सामने मुझे स्वीकार करेगा या मुझे मानेगा, तो मैं भी उसका इनकार ना करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, लेकिन मैं और आप कितनी बार उसका इनकार कर देते हैं, कितनी बार हम गलत काम कर देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा तिमोथियस, आज हम कहते हैं ना, आज हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये रहा, तमाम जो बातें चल रही हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। और वचन क्या कह रहा है, मैं अब आपके सामने वो वचन पढ़ रहा हूँ, और हो सकेगा तो वचन आपके सामने अभी स्क्रीन पर भी आएगा। वो वचन है मेरे प्रियो, दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय और उसका 12वां पद। दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय और 12वां पद कहता है, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, फिर एक बार बोल रहा हूं मैं आपके सामने, दूसरा तिमोथियस उसका 3 अध्याय उसका 12वां पद कहता है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति बिताना चाहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, वे सब क्या होगा? सताए जाएंगे। तो मत कहिए इस बात को, अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चलाना चाहते हैं, उसकी भक्ति में चलाना चाहते हैं, उसकी इच्छा को पूरी करना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो ध्यान लीजिए कि आप और मैं सताए जाएंगे। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह एक जगह पर, ये मैं बाइबल से उदाहरण आपको बता रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टि करके उससे प्रेम किया। किससे? एक व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति, एक व्यक्ति आया उसके पास, कहने लगा अनंत जीवन के लिए मैं क्या करूं? तो कहने लगा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस पर दृष्टि की। प्रभु यीशु मसीह कहीं एकदम रिएक्ट नहीं करते थे, कभी उन्होंने ये नहीं कहा एकदम रिएक्ट करा, एकदम सुना, दृष्टि करी, और दृष्टि करके क्या करा? प्रेम किया। आप और मैं किसी से प्रेम करते हैं? हम तो खिसिया पड़ते हैं अगर कोई बात कहे, कोई हमसे कुछ कहना चाहे, हम तो नजरें भी नहीं मिलाते और एकदम चिल्ला पड़ते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया लिखा है। दूसरा मरकुस रचित सुसमाचार 10:21 कहता है कि उसने उससे प्रेम किया और उससे कहा, मरकुस 10:21 और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी से नाराज नहीं होता था। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे। क्या कहा? उसको बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। अब सवाल ये उठता है मेरे प्रियो,
क्योंकि वो व्यक्ति बहुत अमीर था, उसने अपने जीवन को देने के लिए मना कर दिया, वो प्रभु को अर्पित नहीं किया अपने जीवन को, और ना उसने वो धन दिया, क्योंकि सारा ध्यान उसका उस धन संपदा में लगा हुआ था, इसलिए उसने त्याग नहीं करा और उसने अनंत जीवन को छोड़ दिया। आज मेरे प्रियो, हम कौन सी बातों के द्वारा अनंत जीवन को ठोकर मार देते हैं। जो हमारे पौलुस साहब थे, पौलुस देमास, पौलुस के साथ बड़ी सेवा अच्छी चल रही थी, हम लोगों की बड़ी अच्छी सेवा चलती है, बड़े बड़े प्रचार करते हैं, बड़ा नाम करते हैं शुरुआत में, और फिर धीरे धीरे लगने लगता है कि अरे टीवी नहीं देख पा रहे, संसार की बातों में नहीं जा पा रहे, नाच गाना नहीं कर पा रहे, क्योंकि एक मसीह विश्वासी को नाचने की जरूरत नहीं है मेरे प्रियो, संसार की बातों में जाने की जरूरत नहीं है। तो वो लगने लगता है कि अरे संसार की चीजें तो हमसे छूट रही हैं। और यहीं पर देमास, जो पौलुस के साथ बड़ी अच्छी सेवा कर रहे थे, देमास ने भी क्या करा, संसार प्यारा लगा और पौलुस के साथ जो भक्ति की सेवा कर रहे थे वो छोड़ के चले गए। मेरे प्रियो, उसने कहा तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। आज हम कहते हैं काम स्वर्ग देखा है, नरक देखा है, क्या पता। नहीं मेरे प्रियो, हम विश्वासियों के पास, हम मसीहों के पास आशा है, हम पक्षियों के पास आशा है, उम्मीद है कि हमें मृत्यु के बाद भी एक जीवन हमें मिलता है, वो जीवन अलग होता है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह चेलों को के मन को स्थिर करने के लिए क्या करते थे, वचन से बातों को बताते थे, उपदेश देते थे, कि वो जो रुकावट है परमेश्वर के राज्य में जाने की, वो रुकावट उनके जीवन में ना आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने का ले गए गुलगथा के अंदर, खोपड़ी वो स्थान कहलाता था मेरे प्रियो। खुदावन यीशु मसीह को वहां पर उन्होंने चढ़ाया, हालेलुया, और वो स्थान क्या कहलाता था, खोपड़ी, और इब्रानी में उसको गुलगोथा कहते हैं, हालेलुया। मेरे प्रियो, खुदावन का वचन कहता है कि मेरे और आपके अंदर अगर वचन की जड़ पकड़ी है तो जरूर हम कहीं नहीं भटक पाएंगे। अगर वचन की, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वचन बाइबल में लिखेंगे, अगर उनकी छाप, उनकी गहराई मेरे और आपके जीवन में नहीं है, तो मेरे प्रियो हम कभी भी पनप नहीं पाएंगे। तो इसलिए अपने मन को दृढ़ करिए, स्थिर करिए, ये चेला बनने का मूल्य है, तभी आप चेला बन सकेंगे। प्रेज द लॉर्ड, आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, प्यार के लिए, आपने हमको संभाला, और खुदावन जो वचन तेरे द्वारा सीखा हमने, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने भाई बहन ऑनलाइन देखते हैं, जो ऑफलाइन देखेंगे, प्रभु उन सबको बड़ी आशीष और बरकत दीजिए, अपने अनुग्रह में रखिए, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। खुदा की मोहब्बत आपके साथ बनी रहे, खुदा का रहम आप पर बना रहे, और आप खुदावंत की पनाह में रहे। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आप सबको बहुत बरकत दे। और 7 से 8 कल पास्टर रेवरेंड डॉक्टर मधुकर सुमंत राव जो हैं, उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए, वो वचन को लेके आ रहे हैं, और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु के वचन को हम शेयर कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। नौमी सिस्टर, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।